जय भीम साथियों। साथियों हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पे खड़े हुए हैं और कल रात की सुबह सुबह एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। साथियों परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का स्टैचू निर्माण श्री गंगानगर में पिछले दिनों से किया जा रहा है और साथियों आज सुबह सुबह एक व्यक्ति ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति जो दलित समाज के द्वारा गंगानगर में स्थापित की गई थी उसके ऊपर लगा नीले रंग का कपड़ा प्लास्टिक उतार दिया और साथियों मूर्ति को चोट पहुंचाते हुए आप देख सकते हैं मूर्ति की परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जो उंगली है उस उंगली को तोड़ दिया। ये घटना आज सुबह की है। साथियों आप देख सकते हैं परम पूज्य बाबा साहब की वो उंगली जो संसद भवन की ओर इशारा करती है, दलितों को संसद भवन पर कब्जा करने का संदेश देती है, उस उंगली को शरारती तत्व ने तोड़ करके नाक के ऊपर भी तोड़ करके और बाबा साहब की चश्मा और नाक के ऊपर आप देख सकते हैं पत्थर मार करके उसे चोटिल करने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति के द्वारा पत्थर मारा गया है इसको, मूर्ति को आप देख सकते हैं उस शरारती तत्व के ऐसा करने के बाद हमारे अंबेडकरवादी विचारक कुछ साथी इधर से निकल रहे थे जिसे पकड़ करके श्री गंगानगर की थाना कोतवाली में उसको पुलिस के सुपुर्द किया गया है। साथियों दुखद घटना ये है कि गंगानगर के दलित समाज के द्वारा अपने खून पसीने की पाई पाई इकट्ठा करके अपने मसीहा की मूर्ति गंगानगर में स्थापित की गई थी जिसको इस बदमाश ने हरामजादे ने देखने में ये प्रतीत होता है साथियों कि ये साला मंद बुद्धि का व्यक्ति है लेकिन इसने मूर्ति को खंडित कर दिया है, तोड़ दिया है। साथियों इसके ऊपर पत्थर मार मार के मूर्ति को चोटिल करने का प्रयास किया है। बाबा साहब की उंगली जो कि देखिए चौक पे पड़ी हुई है इसे तोड़ा गया है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। अभी तमाम अंबेडकर वादी साथियों को इसकी इतला दी जा रही है साथियों और अंबेडकर वादी साथी अभी चौक पर पहुंचेंगे, इसके बाद आगे की जो भी रूपरेखा होगी हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे। और यहां मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं साथियों कि गंगानगर पुलिस प्रशासन का ये पूर्ण रूप से फेलियर रहा है। जब उन्हें पता है कि परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की आदमकद मूर्ति गंगानगर में स्थापित है जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा होना अभी प्रस्तावित है, उनके द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं की गई थी साथियों, हालांकि पूरा दिन कोविड महामारी को लेकर यहाँ पुलिस की गश्त रहती है, पुलिस के 3-4 लोग इस चौक के इर्द गिर्द सदैव ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है, उस दौरान इस अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। बाबा साहब की मूर्ति को पत्थर मारे गए हैं साथियों, मैं पुनः आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं बाबा साहब की नाक पे चोट पहुंचाई गई है, चश्मा पे चोट पहुंचाई गई है, ये इधर जो है पत्थर के निशान है, उधर हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं कि जोर जोर से पत्थर मारे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मजबूती के साथ परम पूज्य बाबा साहब की इस मूर्ति के इर्द गिर्द दलित समुदाय के लोगों के द्वारा कपड़ा लगा करके प्लास्टिक लगा करके और बहुत अच्छे ढंग से इस मूर्ति को पैक किया गया था साथियों, लेकिन दुखद घटना ये है कि इस व्यक्ति ने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, खिलवाड़ किया है और ये बहुत दुखद घटना है जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता साथियों,
बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा करके आप लोगों को इस घटना के बारे में मैं बता रहा हूं साथियों, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। पुलिस को चाहिए था, पुलिस प्रशासन को चाहिए था, जिला प्रशासन को चाहिए था कि जब तक इस मूर्ति का अनावरण नहीं हो जाए, अब पूरी थे थोड़ी की, तब तक इसकी सुरक्षा करते। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इस स्मारक के ऊपर चढ़ने के लिए पौड़ी बनाई गई थी बकायदा। उस पौड़ी को हमने जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति 12 अप्रैल को हमने स्टेचू पे स्थापित करवाई थी, उसी दिन इस पौड़ी को बंद करवा दिया गया था ईंटों की दीवार लगाकर। इस शरारती तत्व ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से पौड़ी के अंदर लगी दीवार को तोड़ा है, आप लोग देख सकते हैं ईंटें। मैं कालूराम मेघवाल SC ST आरक्षण मंच का अध्यक्ष, मेरी देखरेख में जो ये काम चल रहा था साथियों, उसके लिए हमने पहले से ही यहाँ दीवार की व्यवस्था की थी, यहाँ तक इतनी इतनी दीवार करवाई थी साथियों। बावजूद उसके इस व्यक्ति ने दीवार को तोड़ करके सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ाया ये व्यक्ति, और ऊपर चढ़ करके उसने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का, तोड़ने का, उंगली तोड़ने का बाबा साहब का प्रयास किया, और जिसमें वो सफल रहा साथियों। बहुत ही दुखद घटना है ये। पूरी मूर्ति जो कि 3,76,500 रुपये की लागत से, 2,76,500 रुपये की लागत से हाल ही में हमने दलित समुदाय के लोगों ने 31,000 रुपये प्रत्येक जाति के हिसाब से इकट्ठा करके, और परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की विशालकाय मूर्ति गंगानगर में स्थापित की थी, लगवाई थी साथियों। ये बहुत ही दुखद घटना है, आप सब देख सकते हैं। ये चौक बाबा साहब का विशालकाय चौक, संसद भवन का नक्शा हम अमृतसर से लेकर गंगानगर में आए थे, गंगानगर में इसको तैयार करवा रहे थे, चंद दिनों में ये तैयार होने वाला था साथियों। और बहुत ही दुखद घटना आप सब लोग देख रहे हैं। आज सुबह करीब 5, 5:30, 6 बजे से पूर्व की ये घटना है साथियों। मूर्ति को पूर्ण रूप से खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है साथियों। ये बहुत ही दुख की बात है।